इनके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सरकारी विभाग की लेटेस्ट खबरें व आदेश। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को कर ले सेलेक्ट ताकि सबसे पहले हमारी जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। प्रदेश के 4.5 लाख शासकीय सेवकों को मिलेगा लाभ, मिलेगा बड़ा तोहफा। प्रदेश के 4.5 लाख शासकीय सेवकों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में अब 65 साल में सेवानिवृत्त होंगे कर्मचारी। एक महीने के भीतर संकल्प पूरा करने की कवायद रामेश्वर धाकड़, भोपाल प्रदेश की डॉक्टर। मोहन यादव सरकार राज्य के करीब 4.5 लाख से अधिक शासकीय सेवकों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। प्रदेश में शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 करने की कवायद शुरू हो गई है। संभवतः लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रदेश में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में एकरूपता लागू हो सकती है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने मप्र संकल्प पत्र 2023 को पूरा करने की पहल शुरू की, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग पूरा करने में प्राथमिकता के साथ जुट गया है। विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के संकल्प पत्र 2023 में मप्र के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति में एकरूपता लाने का विषय शामिल था। साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को विभिन्न कर्मचारी संगठन मप्र राज्य कर्मचारी कल्याण समिति की ओर से भी इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर मांग की गई थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी शपथ लेने के बाद अधिकारियों के साथ पहली बैठक में संकल्प पत्र 2023 में शासकीय सेवकों से जुड़े मसलों को पूरा करने के निर्देश दे दिए थे। इसके बाद 11 जनवरी को राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष कैबिनेट दर्जा रमेश शर्मा ने मप्र के 6 साल बाद बढ़ने जा रही है आयु सीमा। प्रदेश में मई 2018 तक शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल थी। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने जून 2018 से इसे बढ़ाकर 62 कर दिया। अब 6 साल बाद फिर से सरकार सेवानिवृत्ति की सीमा 62 से बढ़ाकर 65 करने जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि इससे सरकार को कर्मचारियों की हो रही कमी से फौरी राहत मिलेगी, साथ ही वित्त स्थिति ठीक नहीं होने से सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान की राशि भी नहीं देनी पड़ेगी। शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति को आयु सीमा में एकरूपता लाने के लिए नोटशीट लिखी, जिसमें कहा गया कि शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 करने पर शासन को विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने पदोत्तृति नहीं होने की वजह से सरकारी विभागों में कैडर गड़बड़ाने और खाली पदों को लेकर भी मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। वित्त विभाग पर पड़ेगा असर। सरकार के उच्च सूत्रों के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल करने का फैसला शासन स्तर पर चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव संकल्प पत्र 2023 को लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले करने के पक्ष में हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी पहल की। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 में 65 साल करने पर खजाने पर पड़ने वाले भार को लेकर वित्त विभाग से अभिमत मांगा है। वित्त से अभिमत आने के तत्काल पर सेवानिवृत्ति में एकरूपता के प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जा सकता है। ये बता दें कि अभी तक प्राध्यापक, चिकित्सक, स्टाफ नर्स एवं अन्य सेवाओं में सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 65 साल है। अब सभी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 साल करने की तैयारी है।